मूवी की स्टार्टिंग एक मीट शॉप से होती है। शॉप विंसेंट और सोफी नाम के हस्बैंड और वाइफ की है, पर उनकी शॉप कुछ ठीक नहीं चल रही थी और जानवरों को मारने के खिलाफ वेगन सोसाइटी के लोग उनकी शॉप पर हमला भी करते हैं। सोफी अपनी फ्रेंड स्टेफनी से मिलती है, जो कि उसे विंसेंट को छोड़ने के लिए कहती है, पर सोफी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। जहां स्टेफनी का हस्बैंड मार्क भी उसी शहर में कई सारी मिट शॉप चलाता था और वो जिससे काफी अमीर था, जिस कारण वो सोफी और विंसेंट की बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, जिससे वो दोनों गुस्सा होकर वहां से अपने घर जा रहे थे। उन्हें तब रास्ते से वही वेगन सोसाइटी वाला आदमी जाता हुआ दिखता है, जिसने उनकी शॉप पर हमला किया था। पहले से ही उनका दिमाग सक्का हुआ था। तब विंसेंट गाड़ी रिवर्स डालकर उसकी साइकिल को गिराना चाहता था, पर वो आदमी कार के नीचे आ जाता है और मारा जाता है। वो दोनों डर जाते हैं और जल्दी से अपनी कार में उस डेड बॉडी को डाल देते हैं। वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे, उसके टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंकने का वो तय करते हैं। रात में विंसेंट उसके टुकड़े करके फ्रिज में रख देता है, पर जब वो सुबह फ्रिज खोलकर देखता है, तब उसमें मांस के कुछ टुकड़े कम थे। जब वो अपनी बीवी से पूछता है, तब वो बताती है कि मैंने उस मीट को बेच दिया है। वो मीट कस्टमर को भी काफी पसंद आया था और भी मीट खरीदने वो शॉप पर आए थे। अपनी वाइफ को विंसेंट सच बताता है कि ये उसी वेगन आदमी का मीट है। जब सोफी मीट को खाकर देखती है, तो उसको भी मीट काफी पसंद आता है और वो इसी मीट को शॉप में बेचने लगते हैं, जिससे उनके कस्टमर बढ़ जाते हैं और शॉप फिर से चलने लगती है। और यहाँ तक कि विंसेंट भी मीट को खाकर देखता है, जो उसे भी काफी टेस्टी लगता है। एक दिन उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड लुकस के साथ घर आती है। लुकस वेगन था, वो मांस नहीं खाता था। लुकस जहाँ काम करता है, यानी कि एक वेगन रेस्टोरेंट में, अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए वो दोनों पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो कि पूरी तरह से वेजिटेरियन हो, जिसे मारकर वो उसका मीट शॉप पर बेच सके। वो होटल के मैनेजर को मारने का तय करते हैं, पर विंसेंट उसे मारने में नाकामयाब हो जाता है। तब सोफी विंसेंट से कहती है कि अगर हमें अपनी शॉप बचानी है, तो तुम्हें एक सीरियल किलर बनना ही होगा। वो दोनों अगले दिन वेगन बनने का नाटक करते हैं और लोगों को मीट खाना छोड़ने के लिए कहते हैं। वो रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब वो एक आदमी से मिलते हैं, जो कि उन्हें अपनी वेगन टीम में शामिल होने के लिए कहता है। विंसेंट और सोफी उसका गेम बजाने उसके साथ जाते हैं, पर वहाँ उसके साथी भी थे। वो सभी मिलकर एक मीट शॉप को तबाह करने जा रहे थे, जो कि मार्क की थी। वो उनके साथ मिलकर जाकर उसकी शॉप को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और अपनी बेइज्जती का बदला लेते हैं। लेकिन शाम में वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां विंसेंट और सोफी के बीच बहस हो जाती है, जिस कारण विंसेंट सोफी को वहीं छोड़कर घर आ जाता है। तब वहां सोफी के पास एक वेटर आता है, जो कि सोफी को घर तक छोड़ देता है, और वो सोफी को पटाने की कोशिश कर रहा था। बातों ही बातों में सोफी को पता चल जाता है कि वो वेगन है। सोफी उसे घर के अंदर ले आती है। सोफी विंसेंट से कहती है कि उसका मैं ध्यान बताऊंगी और तुम उसे मार डालना, पर विंसेंट वहां आता ही नहीं। सोफी तब अंदर जाकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। सोफी की बातें सुनकर विंसेंट की सटक जाती है और हॉल में वेटर को भी नंगा पुंगा बैठा देखकर विंसेंट का पारा चढ़ जाता है, और विंसेंट एक लैंप मारकर बेरहमी से उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसे काट डालते हैं और मीट के तौर पर शॉप पर बेचने लगते हैं। अब विंसेंट और सोफी की शॉप भी चलने लगी थी और वो दोनों भी नए नए वेगन लोगों को मारने लगे थे। लोगों को मारना वो एंजॉय करने लगे थे, जिसकी उन्हें आदत सी हो गई थी। वो ऐसे ही मीट के लिए रोज कई सारे वेगन लोगों को मार डालते। एक दिन ऐसे ही वो मार्क के घर जाते हैं और अपनी शॉप का मीट खिलाते हैं, जहां विंसेंट बातों ही बातों में मार्क की बेइज्जती कर देता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और विंसेंट मार्क का कान काट कर चबाने लगता है। ये देखकर मार्क और स्टेफनी दोनों हैरान थे कि कैसे विंसेंट किसी इंसान के मांस को खा सकता है, और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और अपने काम में फिर से लग जाते हैं और चुन चुन कर वेगन लोगों को मारने लगते हैं। जिसके बाद विंसेंट और सोफी एक वेगन पार्टी में जाते हैं, जहां वो अपना अगला शिकार ढूंढ रहे थे। वही उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड यानी लुकस मिलता है, जो उन्हें इस पार्टी में देखकर काफी हैरान था, और वो उनसे कहता है कि तुम दोनों ने अभी तक अपनी शॉप को तो बंद नहीं किया है, और उन पर चिल्लाने लगता है, जिनकी बातें वहीं बैठा एक आदमी सुन लेता है।
लेकिन फिर भी वो दोनों बाज नहीं आते और अपना शिकार करना नहीं छोड़ते। रात में जब विंसेंट डेड बॉडी के टुकड़े कर रहा था, तब वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देख विंसेंट घबरा जाता है, पर किसी तरह वहाँ से वो उसे भगा देता है। इस सब से वो काफी डर जाता है और सोफी से कहता है कि हम इस सब को बंद कर देते हैं। सोफी उसे काफी समझा रही थी, पर विंसेंट एक नहीं मानता। तभी लुकस वहाँ उनसे माफी मांगने के लिए पहुँचता है। यहाँ सोफी उसको भी मारना चाहती थी, पर विंसेंट उसे ऐसा करने नहीं देता। नेक्स्ट डे जब विंसेंट कस्टमर्स को बताता है कि वो पुराना वाला मीट उनके पास नहीं है और अब नहीं मिलेगा, तो सभी कस्टमर्स शॉप से चले जाते हैं और विंसेंट निराश होकर बाहर घूमने निकल जाता है। वही सोफी शॉप में अकेली थी। तब वहाँ वैगन टीम के मेंबर आते हैं और सोफी को अगवा कर लेते हैं। जब विंसेंट वापस आकर शॉप के बाहर वैगन टीम की वैन देखता है, तब वो समझ जाता है कि सोफी खतरे में है। उन्हें ये सब बताने वाला कोई और नहीं बल्कि पार्टी में मौजूद वही बंदा था। जब वो लोग सोफी को मारने वाले थे, तब विंसेंट की हीरो वाली एंट्री होती है और वो एक एक करके सभी को बेरहमी से मारने लगता है। हालांकि जोशुआ विंसेंट पर भारी पड़ता है और विंसेंट को वो पीट रहा था और एक स्क्रू ड्राइवर लेकर जोशुआ विंसेंट की छाती में घुसा देता है, लेकिन सोफी खुद को आजाद करके जोशुआ की तरफ एक हुक मार कर फेंकती है और जोशुआ को मार डालती है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि विंसेंट और सोफी का सच सभी के सामने आ चुका है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि स्टेफनी और मार्क ने ही सामने लाया था, क्योंकि उन्हें उसी दिन सोफी और विंसेंट पर शक हो गया था जब विंसेंट ने मार्क का कान खाया था। और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।